और ये है अंबाला छावनी जंक्शन, जो कि हरियाणा स्टेट में आता है। और अंबाला छावनी जंक्शन एक नॉर्दर्न रेलवे का डिवीज़न भी है। अभी सुबह के 3:24 हुए हैं और हम अंबाला छावनी जंक्शन पे हैं। थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे और ये हमारी ट्रेन जो है अंबाला छावनी जंक्शन से छूट चुकी है। तो सुबह के बज गए हैं 5:50 और ये अभी हम आ चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन पर। और कालका रेलवे स्टेशन से ये जो हमारी ट्रेन है ये 6:20 पे यहाँ से रवाना होगी, यानी छूटेगी। और ये कालका लोको शेड का लोकोमोटिव आप देख रहे हैं, इसके साथ में ही ये हम वैसे तो हम लोगों ने इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग क्लास का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन वो सीट कंफर्म नहीं होने की वजह से अभी हम लोग इस ट्रेन में जनरल सीट पे बैठकर जाएंगे। तो अभी देखना यह है कि जनरल में सीट मिल जाती है कि नहीं, और उसके बाद में सीट मिल जाएगी तो हमारा जो 5 घंटे का 5.5 घंटे का सफ़र है वो कैसा रहता है। और ये हमारी ट्रेन कालका से छूट चुकी थी और अभी हम आ चुके हैं बरोग रेलवे स्टेशन पे। अभी हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग के लिए बरोग रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ जूम करके ये बरोग रेलवे स्टेशन, जो कि नैरोगेज का स्टेशन है। अभी हमारी ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है, रवाना हो चुकी है। अभी ये शिमला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। अब हम कुछ ही घंटों में शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद अभी हमने होटल लिया है तो हम सबसे पहले तो चेक इन करेंगे, होटल में जाएंगे, और भी काफ़ी सारे साइट सीन हैं वो मैं इस ट्रेन के साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। तुझे अब ये दिल बताए तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही ना पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ट्रेन रास्ते में चलेगी तो कोई अच्छा सा साइट सीन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी ट्रेन जो है शिमला की तरफ ही बढ़ रही है, और एक ये अच्छा सा व्यू, ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइट सीन है, ये मैंने विंडो सीट पर बैठ के ही कैप्चर किया है। और फिर ये हमारी ट्रेन जो है एक रेलवे स्टेशन पर आके खड़ी हो गई है, और दूसरी ट्रेन क्या अभी क्रॉसिंग हो रहा है, ये ट्रेन यहाँ से पास हो गई। ये ट्रेन जाने के बाद हमारी ट्रेन फिर से यहाँ से चलेगी शिमला रेलवे स्टेशन की। और ये आप जो अभी नज़ारा देख रहे हैं ये शिमला का रात का नाइट व्यू है। तो शिमला शहर जो है वो उसका नाइट व्यू है, जो रात में उसका नज़ारा है वो कुछ ऐसा दिखता है। चारों तरफ पहाड़ पर घर बने हुए हैं, रोशनी दिखती है और लाइट काफ़ी अच्छी आती है वहाँ पे, ट्रिपिंग वगैरह नहीं होती है। और आज हम लोग का शिमला में दूसरा दिन है, और अभी हम लोग ये आ चुके हैं ग्रीन वैली पर। और जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये ग्रीन वैली है, इसको ग्रीन वैली बोला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर खूबसूरत दृश्य है। अभी हम और समरदीप सर और शिवेन सर तीनों लोग आए हैं, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद में हम लोग फागू जाएंगे, कुफरी जाएंगे और नलदेड़ा जाएंगे। और ये भी हमारी जो बस है जो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट कॉरपोरेशन वाली साइट से बुक करी थी, तो उसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं और अभी हम लोग फागू की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम लोग आ चुके हैं फागू, और यहाँ पे
सेब की खेती होती है, तो यहाँ पे सेब के बागीचे भी हैं, यानी बाग भी हैं सेब के। और ये जो नीचे को अभी आप रोड देखेंगे, यहाँ से ये सीधे चाइना बॉर्डर है, यहाँ से नज़दीक ही है चाइना बॉर्डर, और चाइना को ये रोड जाता है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला चाइना को रोड जाता है। अब ये फागू वैली है, फागू वैली जी। तो अभी हम लोग शिमला से ये 20 किलोमीटर की दूरी पे नलदेड़ा है, तो यहाँ पे हैं। और हमारे साथ ही ये सारे ही लोग हैं, शिवेन सर हैं, समरदीप सर हैं, और एक हमारे दिल्ली का भाई और मिल गए थे, वो भी हैं। तो नलदेड़ा जो है वो काफ़ी फेमस जगह है शिमला डिस्ट्रिक्ट एरिया में, और यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, और उसके बाद में पार्क वगैरह भी हैं। इधर उधर का व्यू और देखना, देखते हैं। अब ये देखिए व्यू, हम लोग आप ऊपर पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं, ये देखो ये देखिए, ये पहाड़ है यहाँ पे ऊंचाई पे। यहाँ से हम लोग ये जा रहे हैं से अभी। इससे पहले हम लोग कुफरी में होके आए थे, और कुफरी से पहले हम लोग सबसे पहले फागू गए थे। ये तीन जगह जो हैं वो हमने विजिट करी थी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन वाली बस से। तो उस बस से हम लोगों ने ट्रैवल किया था। तो वो हम लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म वाली वेबसाइट थी उससे बुक किया था। और अभी हम लोग काफ़ी टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं, और यहाँ से कुछ नलदेड़ा हिल्स का व्यू ऐसा दिखता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं भी इन्जॉय ही कर रहा हूँ, और सब लोग अपने अपने बेस्ट सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। ऐसे कैमरा कर, वाह भाई वाह, यहाँ पे पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और अभी यहाँ से ये देखिए काफ़ी खाई टाइप की है, ढाल है, अगर यहाँ से कोई भी गिरता है तो आई थिंक बचेगा तो नहीं। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी इससे पहले फागू में थे, कुफरी में थे, तो वहाँ थोड़ा अलग वेदर था, यहाँ बिल्कुल अलग है। बारिश तो पूरे शिमला में ही हो रही है अभी। आज 29 सितंबर है 2019, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर। बाकी शिमला का भी वेदर जिस दिन हम लोग आए थे 28 को, तो उस दिन काफ़ी अच्छा था मौसम, और बारिश बाद में हुई 12 बजे के बाद। तो बारिश होने के बाद भी फिर ठंड बहुत पड़ गई थी। तो अब बाकी देखते हैं, अभी भी कुछ पॉइंट हैं। अभी शिमला में जाकू टेंपल बचा है, और रोप वे बचा है, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे। तो मिलते हैं अभी। ये अभी हम लोग शिमला में हैं, और ये शिमला शहर का सिटी का व्यू है, कुछ ऐसा भी दिखता है बारिश होने के बाद। अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, और मौसम कुछ खुल भी गया है,
और अभी हम लोग जाकू टेंपल, जो यहाँ का काफ़ी फेमस टेंपल है, वहाँ पे जाने वाले हैं। और उसके लिए हम जाकू रोपवे से भी जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जाकू रोपवे, ये है। तो अभी हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, तो बाय रोड भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेरे साथ शिवेंद्र सर हैं और समरदीप सर हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बादल हैं, और वो जो साइड है ये साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे धूप निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छा वेदर है, और अभी हम लोग जाकू टेम्पल जाएंगे तो यही रोड से जाएंगे। ये रोड घूमता हुआ पहाड़ियों के आसपास से होता हुआ वो ऊपर जाएगा। ऊपर पर भी काफ़ी सारे घर हैं बने हुए, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहे हैं, क्यों अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी है। तो अभी बस देखना ये है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हम लोग की जो जर्नी है ये, वो काफ़ी ज़्यादा हम इसमें एंजॉय करने वाले हैं। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं, अभी बारिश हो के मौसम खुला ही है, गीली गीली सड़कें हैं, पानी जो है बहता हुआ पहाड़ों के जरिए नीचे ज़मीनी तट पे पहुंच रहा है, जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। बाकी नहीं है, बड़ी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, घुमाने वाला हूँ। तो चलते हैं, देख रहे हैं आप अभी, ये शिवेंद्र सर हैं कि अपना फोटो वगैरह किया। हम लोग जाकू टेम्पल की तरफ जाते हुए, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, हम तीनों लोग अभी थोड़ा सा भी सफ़र तय नहीं हुआ है और थक चुके हैं। अब ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी चलता रहा जा रहा हूँ, ऊंचाई काफ़ी है, देखते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो ये आप कैसा अभी फील कर रहे हैं, क्या आप आगे तक जा पाएंगे कि नहीं? क्यों समरदीप सर? नहीं, मैं अब आगे बिल्कुल जाने की हालत में हूँ। क्या हो गया आपको? बहुत थक गया हूँ। ये समरदीप के वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है काफ़ी, और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, सांसें लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आगे आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ नज़ारा इन लोगों का जो है, दिख रहा है मतलब, और ये देख रहे हैं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, फटे जा रही है। क्या हो रहा है? चढ़ने में फटे जा रही है, फटे जा रही है। हाँ जी, फट रही है एकदम। और ये शिवेंद्र सिंह, तो इनका तो हालांकि ये पैदाइशी ऐसे हैं, मैं भाई बिल्कुल चला नहीं जाता है। हाँ, हम लोग गलती किए, इनको एक बार ड्रिंक करा के लाते तो शायद ये मतलब जो हम लोग 15 मिनट पहुँचेंगे वो 2 मिनट में वो वहाँ की दूरी तय कर लेंगे। तो अभी हम लोग शिमला से 5 किलोमीटर की दूरी पे समर हिल एक रेलवे स्टेशन भी है, जैसा कि आप जो नीचे रेलवे लाइन भी देख रहे हैं, ये देखिए ये है रेलवे लाइन, ये देखिए ये है रेलवे लाइन, तो ये भी है यहाँ पे समर हिल रेलवे स्टेशन भी है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने वाली हैं, तो अभी हम लोग समर हिल ही आ चुके हैं। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ चल रहे हैं अभी, वहाँ घूमेंगे चल के। और शिमला की वादियों में कुछ ऐसा नज़ारा है अभी, यहाँ से चलते हैं देखते हैं। और वो देखिए सामने की तरफ जो व्यक्ति आपको जाता हुआ दिख रहा है, वो कौन है? वो कौन है कृपया? यूपी वाले भैया हैं, बलिया वाले भैया, बलिया वाले भैया समरदीप सर हमारे, उनको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जूम करके थोड़ा आवाज़ लगाइए। अरे समरदीप सर, ये देखिए इनकी शक्ल पे इसमें क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग? देखिए, तो अभी चलते हैं देखते हैं इंडियन स्टॉक एडवांस टेक्नोलॉजी या क्या बताया था स्टडीज़ में। तो अभी हम लोग जो हैं रात का डिनर लेके और रूम की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो रूम है वो ठीक जाकू रोपवे के नीचे है, और अभी जो हमारे साथ समरदीप सर हैं तो वो आपको दिखाएंगे बैक साइड का कैमरा ऑन करके और शिमला का एक नज़ारा। ये अभी हम लोग शिमला रेलवे स्टेशन पर हैं, और शिमला रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है वो अब चलने वाली है, इसका टाइम है 2:20। और अभी बारिश होने के बाद मौसम
खुल गया है और बादल हैं काफ़ी। और रेलवे स्टेशन की ये सेकंड लाइन। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ही जगह में दो प्लेटफॉर्म है आगे पीछे। एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी हमारी ट्रेन खड़ी है, इसी से जब थोड़ा आप बैक साइड में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 होगा। और ये जो सामने रूट जा रहा है ये सीधे कालका को जा रहा है। तो अभी जो हमारी ट्रेन है तो वो शिमला रेलवे स्टेशन से चल चुकी है और अभी हम कालका की ओर बढ़ रहे हैं। और शिमला रेलवे स्टेशन को हम लोग छोड़ते हुए और आगे जा रहे हैं। और आप जैसा कि ये नज़ारा देख रहे हैं शिमला रेलवे स्टेशन का, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बस शिमला रेलवे स्टेशन जो है हम लोगों से छूट रहा है, विदाई हो रही है और यादें ही रह जाएंगी शिमला रेलवे स्टेशन की। मुझे देख रहे हैं आप कालका लोकेशन का जो लोकोमोटिव है नरोबेज का, वो आग रहा है। उसके साथ में ये रैक है कालका शिमला डीलक्स चेयर कार का। अभी यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से ब्रेक लग चुके हैं। तो हमारा ये शिमला का टूर पूरा हुआ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा कितना खर्चा आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।